आज हम लोग करेंगे कॉपी डॉट ए आई का डिटेल रिव्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए हाई गाइज़ मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिव्यूज़ करता रहता हूँ कॉपी डॉट ए आई एक ए आई राइटिंग सॉफ्टवेयर है एंड रिसेंटली यहाँ पर मैंने खूब सारे ए आई राइटिंग सॉफ्टवेयर के रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है एंड कॉपी डॉट ए आई इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वंस आउट देयर आज हम लोग इसका डिटेल रिव्यू करेंगे देखेंगे कि किसके लिए अच्छा है कुछ यूज़ केसेज है जहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ यूज केसेज है जहाँ पर इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो सब कुछ बताऊँगा मैं आज के इस वीडियो में बिफोर आई स्टार्ट जो मेरा प्लान है जिस पर मैंने सारी टेस्टिंग करी है वो है इनका प्रो प्लान इनके दो प्लान, प्लान आते हैं फ्री और प्रो मैंने इनका प्रो प्लान लिया था जहाँ पर अनलिमिटेड वर्ड्स है प्लस लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट के लिए ब्लॉक जनरेशन के लिए भी आपको इनका पेड प्लान पड़ेगा फ्री और प्रो के बारे में अभी हम लोग आगे और बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस से कुछ इस तरीके का आपको यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है जैसे ही आप लोग लॉग इन करते हो ऑन द लेफ्ट हैंड कॉलम यू कैन फाइंड द टूल्स सारे टूल्स हैं यहाँ पर टेम्पलेट्स है टेम्पलेट्स क्या है आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रोजेक्ट्स से अगर आपने पहले कुछ टूल्स रन करें और उसको सेव किया है तो वो आपको यहाँ पर सब प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे और बेसिक सा इंटरफेस है इसका एंड ज़्यादा कुछ यहाँ पर टेक्निकल नहीं है सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट फेवरेट वन लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट जिसके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो उसके लिए हमें जाना है टेम्पलेट्स पे टेम्पलेट्स पे ब्लॉग पोस्ट विजार्ट दिस इज हाउ लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट इज गोइंग टू वर्क देन वी विल राइट द टाइटल कि किस टाइटल पे चाहिए मुझे हेल्थ रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी तो यही मुझे कीवर्ड चाहिए एंड हेल्थ रिस्क ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी कॉफी ऑफ ऑफ हेल्थ रिस्क कॉफी ठीक है नाउ आई विल क्रिएट द आउटलाइन सो इसने अभी मुझे आउटलाइन दे दिया है यहाँ पर इसका इंट्रो आ जाएगा एंड देन उसके जो सब पार्ट्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे कि क्या क्या है टूथ पे स्टेन हो सकता है कैफीन आपको हेडेक कॉज कर सकती है हार्ड बर्न रहेगा बर्न हो सकता है एंड इफ़ आई वॉन्ट आई कैन जनरेट मोर और री जनरेट ऑल ऑफ देम इफ आई वॉन्ट और यहाँ से फिर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं यहाँ से मैं एक और सेक्शन ऐड कर सकता हूँ सो इट्स अप टू मी कि मुझे यहाँ पर आउटलाइन कैसे रखनी है कैसे एडजस्ट करनी है नेक्स्ट यू विल हैव टू क्लिक जनरेट टॉकिंग पॉइंट्स सो नाउ दिस इज इनसाइड आउटलाइन ठीक है ये आउटलाइन है अब आउटलाइन के अंदर और क्या क्या रहेगा पॉइंट के अंदर और कौन कौन सी इंफॉमेशन रहेगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो जनरेट कॉन्टेंट है अब यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा जनरेट कॉन्टेंट तो ये जो टॉकिंग पॉइंट्स है इसके ऊपर ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख दे गए सो so ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन ये इसके सारे टॉकिंग पॉइंट्स आ गए जो भी यहाँ पे पैराग्राफ थे टू मच एच कॉफी इन कैन कॉज हेड एक्स एंड नाउ इफ आई वॉन्ट मैं इसको यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकता हूँ क्रिएट ब्लॉक पोस्ट ये हमारा पूरा ब्लॉक पोस्ट यहाँ पे रेडी हो गया है ऑलमोस्ट वन थाउजेंड फिफ्टी कैरेक्टर्स का ये आया है पूरा वर्ल्ड्स uh, का एंड देन इफ आई वॉन्ट तो यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग भी कर सकता हूँ कैन इंटरफेयर विथ स्लीप तो डिपेंडिंग कि यार मुझे कैसा चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इनका एडिटर भी एडिटर में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है प्लस यहाँ पर आप लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफ़ यू वांट सो इसका लॉन्ग फॉर्म का आउटपुट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसने अच्छे से दिया है सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे लिए एंड देन जो आउटपुट की क्वालिटी है वो भी अच्छी है मेरे एक्सपीरियंस में एंड मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके देखा है और ब्लॉक टूल्स के बारे में बात करी जाए डिफरेंट ब्लॉक टूल्स दैट वी आर हैविंग तो कंक्लूजन इंट्रो आउट्रो टाइटल ये सारे आपको टूल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मैंने यहाँ पर कुछ टूल्स का यूज़ करके देखा है दिस इज़ ब्लॉक टाइटल ब्लॉक टाइटल में जो मैंने क्वेरी डाली थी वो डाली थी हेल्थ रिस्क ऑफ कॉफ़ी और ये इसने मुझे यहाँ पर कुछ आउटपुट दिए थे वॉट यू नीड टू नो फाइव हेल्थ बेनिफिट्स टेन हेल्थ रिस्क कॉफी ड्रिंकर्स शुड नो सेवन हेल्थ रिस्क ऑफ कॉफी कंजमशन तो अच्छे अट्रैक्टिव एंड कैची टाइटल्स जिसने मुझे सजेस्ट करें हैं ब्लॉग आइडियाज के लिए मैंने यहाँ पर डाला था हेल्थ रिस्क ऑफ कॉफ़ी और इसने मुझे यहाँ पर ये कुछ आउटपुट जनरेट करके दिए हैं तो यहाँ पर और भी कुछ टूल्स है जो कि आपको बेसिकली वही काम करके देते हैं जो ब्लॉग विजार्ट करके देता है जैसे कि आउटलाइन इंट्रो बेसिकली ये भी सेम ही है लेकिन ये सिर्फ एक अलग अलग पार्ट्स में है और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मुझे किसी ने भी इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माई रिसर्च बेस्ड ऑन माई टेस्ट हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परेस करोगे तो आई विल गेट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ही मिलेंगे सो इफ यू लाइक माई वर्क यू कैन सपोर्ट मी बाय यूजिंग द लिंक्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो थैंक यू अब कुछ राइटिंग टूल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे राइटिंग टूल्स भी देखने को मिल जाते हैं तो जो इसमें से मेन है पहले मैं उसको कवर कर देता हूँ सेंटेंस री राइटर कॉन्टेंट रीक्रिएट करने के लिए तो ये मैंने यहाँ पे राइटिंग डाली थी अब मुझे इसको चाहिए थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज में प्रोड्यूस करें तो वेन आई क्लिक दैट द आउटपुट्स दैट इट गेव मी दिस वॉज द आउटपुट एंड यू माइट सी मोर क्लियरली एंड गेट सम मोर इनसाइट्स इन टू योर सेल्फ अच्छे आउटपुट्स हैं ये मुझे अच्छा लगा है देन बुलेट टू ब्लॉक का है जैसे ये था तो यहाँ पर मैंने बुलेट डाल दिए मैं चाहता हूँ कि ये मुझे एक पैराग्राफ लिख के दे दे बेस्ड ऑन दिस बुलेट पॉइंट्स तो लेट्स क्लिक ऑन सेव एंड ठीक है तो इसने मुझे सारे पैराग्राफ्स लिख के दे दिए हैं बेस्ड ऑन माई पॉइंट्स लेकिन फॉर सम रीज़न इसने सिर्फ आधे ही किए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है पब्लिश वाले तक है पब्लिश तक ये पहुँचा ही नहीं किसी किसी में रिसर्च ड्राफ्ट योर कॉन्टेंट एंड यहाँ पर इसने छोड़ दिया इसको देन रिसर्च ड्राफ्ट योर कॉन्टेंट पर्सनल ओपिनियंस थर्ड के बाद अगेन यहाँ पर नहीं मिला है मुझे सेकेंड थर्ड फिर सेकेंड फिर फोर्थ यहाँ पे फोर्थ तक है लेकिन उसके बाद नहीं है तो इसने सारे कवर नहीं किए लेकिन जितने भी कवर किए वो अच्छे कवर किए नेक्स्ट था शॉर्ट करना सिंप्लीफाई करना तो ये मैंने डाला है ये मेरा वेबसाइट के पैराग्राफ्स हैं दिस वन ये मैंने अपनी वेबसाइट में से डाला है मैंने कहा कि इसको शॉर्ट करके दो सिंप्लीफाई करके दो एंड दिस वॉज द आउटपुट दैट आई गॉड इसने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है कुछ कुछ को यहाँ पर शॉर्ट कर दिया जैसे कि ये शॉर्ट है ये वाला अच्छा आउटपुट मिला था मुझे दिस वन इज़ गुड Uh, सारे आउटपुट्स इसके अच्छे नहीं थे लेकिन सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग टूल्स थे अगर आपको और वैरायटी देखनी है राइटिंग टूल्स की या बाकी सारे टूल्स की तो वो आपको हमारे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे जहाँ पे हमने बहुत सारे और टॉपिक्स डिस्कस किए हैं प्लस आपको डिफरेंट वहाँ पे वैरायटी भी देखने को मिल जाएगी सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टूल डू चेक आउट माय ब्लॉग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो अब हम लोग बात करते हैं अगले यूज केस की दैट इज ईमेल्स ईमेल्स काफी इंपॉर्टेंट है यू शुड नो हाउ टू राइट अ गुड ई इफ यू डोंट नो दैन दिस टूल्स कैन हेल्प यू ई में यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती है कैंसिलेशन कैची कंफर्मेशन फॉलो अप ई थैंक यू नोट और वेलकम ई तो ये कैटेगरीज तो अच्छी है लेकिन अगर मुझे कुछ बेसिक ईमेल टाइप करना हो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर अभी कोई यूज़ केस नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई नीड अ वेकेशन तो मैं यहाँ पर कहाँ पे स्पेसिफाई करूँ कि मुझे वेकेशन के लिए चाहिए वेकेशन के लिए यहाँ पर शायद से कोई भी ई मुझे नहीं दिख रहा है तो ई मेल आई थिंक एक जनरल टेम्पलेट भी होनी चाहिए और ये सारी अच्छी काम कर रही है लेकिन ई के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर जनरल नहीं अब वी नीड ई मेल्स फॉर वेरायटी ऑफ पर्पसेस सिर्फ फॉलोअप के लिए नहीं चाहिए रहता है हमें वेकेशन चाहिए हमें किसी एच को रीच आउट करना है आउटरीच करनी है उन सब के लिए वी नीड ई मेल्स तो वो भी यहाँ पर अगर होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता इसलिए फिलहाल के, के लिए मैं इसको ई के लिए यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेजर थिंग दैट इज़ एड्स हार्ड कॉपी सेल्स कॉपी सबसे पहला जो हमने देखा है वो है फेसबुक का प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट करना उसके लिए मैंने ये वाला यहाँ पे लाइन डाली थी कि, कि कोर्स क्रिएट करना मेरा एक कोर्स है जो कि हाई स्पीड ग्रेट सिक्योरिटी फ्री प्लगिनस वो आपको बताता है सो so, ये रहा फेसबुक प्राइमरी टेक्स जनरेट करने के लिए ये मेरा प्रोडक्ट का नाम है कोर्स है ये एंड देन क्या करता है ब्लॉग बनाना सिखाता है जिसके हाई स्पीड सिक्योरिटी फ्री प्लगिन्स रहते हैं सो लेट्स क्लिक क्रिएट कॉन्टेंट एंड देन ये इसने मुझे यहाँ पे टैक्स दे दिया है आई विल शो यू द कोर्स विल बी ठीक है फ्री होस्टिंग एंड ग्रेट सिक्योरिटी फ़ीचर्स आई यू टायर्ड ठीक है इज़ एम डैड ठीक है इसने मुझे डिसेंट आउटपुट दिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मुझे ऐसा लग रहा है कि डालेंगे बट डीसेंट आउटपुट्स दिए हैं और काफ़ी सारे इसने मुझे आउटपुट्स दे दिए वो अच्छी बात है आउटपुट्स से भर भर के देता है लेकिन अगेन इसमें सबकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है कुछ कुछ इसमें अच्छे हैं ये कुछ कॉपीज़ है सेम फेसबुक एड की जो मुझे अच्छी लगी थी लर्न हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग फ्री प्लग इन्स ऑल सेमिनार लेसन वीडियोज इंक्लूडेड तो ये कुछ इसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है बेसिकली उसी को थोड़ा सा रिफ्रेम कर दिया है क्रेजी फास्ट ब्लॉग्स ठीक है ये वाली डिसेंट है uh, अच्छे दिए लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगी है मुझे अगेन देन मैंने फिर इसको यहाँ पे गूगल uh, के लिए ट्राई किया दिस इज माई गूगल डिस्क्रिप्शन एंड देन यहाँ पर मैंने डाला वही सेम क्वेरीज डाली तो उसने मुझे ये दिया है लेटेस्ट हेल्प यू मेक यूर ब्लॉग इन अंडर टू मिनट्स फोर्टीन डे ब्लॉगिंग बूट कैम्प दिस वन इज़ नाइस क्रिएट इन फास्ट ब्लॉग्स आई थिंक ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी है इसमें गूगल एड्स के लिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ट्राई किया ए आई डी ए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है सिर्फ एक ही लाइन डाली है हाउ टू सेट अप एन ऑनलाइन बिजनेस और जो उसने मुझे आउटपुट दिए हैं वो कुछ ये हैं फ्रॉम द बेस्ट वेबसाइट्स ठीक है वी विल टीच यू हाउ टू सेट बैक्स एंड रिलैक्स अच्छे दिए हैं इसने ए आई डी एज़ गुड थोड़ा और अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे क्यूरोसिटी थोड़ी और जनरेट करी जा सकती थी अटेंशन वगैरह में दिस पोस्ट विल शेयर बट डिसेंट है पी एस की बात करें तो ये मैंने दिया है भीम यू पी आई ठीक है यू पी आई ऑप्शन है यू पी आई वगैरह कर सकते हो आप लोग पेइंग फॉर गोद एंड सर्विस कैन बी अ को स्पेशली इफ यू रिक्वायर कैश नाइस पेइंग क्रेडिट कार्ड इज टू स्लो एंड नॉट वेरी सिक्योर दिस इज़ ऑल्सो गुड डाउट अच्छे दिए हैं इसने पी एस के इसने मुझे एग्जाम्पल्स अच्छे दिए आई एम हैप्पी सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे कैरोसेल यूट्यूब आइडियाज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्शन्स वगैरह लिखना इंस्टाग्राम ऑप्शन वी विल चेक दैट आउट एंड देन यूट्यूब के दो तीन हम लोग चेक करेंगे तो कैप्शन के लिए मैंने जो डाला था माई क्वेरी वॉज अ पिक्चर ऑफ माई सेल्स इन अ बीच और जो मुझे आउटपुट मिला था वो कुछ ये था लाइफ इज़ बेटर वैन यू आर बाय द बीच फीडिंग ठीक है मतलब एवरेज सा आउटपुट है बहुत ज़्यादा मुझे पे कुछ इसका आउटपुट पसंद नहीं आया hmm. देन यूट्यूब के लिए मैंने इसको बोला कि आप मुझे टाइटल लिख के दो तो मैंने कहा हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा ये वीडियो है एंड हाउ टू फॉर्म लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ सोशियोपैथ ठीक है बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे इसके आउटपुट्स देन हमने क्रिएट करने को बोला इसको डिस्क्रिप्शन hmm. तो ये था हाउ टू ट्रांसफ़र लार्ज फाइल्स तो ये यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन है आई इफ यू लाइक मी ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कुछ अच्छे इसके डिस्क्रिप्शन नहीं लगे एवरेज से नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेबसाइट कॉपी वेबसाइट की कॉपी के भी यहाँ पर आपको खूब सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं तो इसमें से जो एक इम्पॉटेंट है पहले हम लोग वो देखते हैं लैंडिंग पेज हीरोक्स ये मैंने किया था जिसमें मैंने डाला था कि मेरी फास्ट क्लाउड स्टोरेज है कोलाब्रेशन के ऑप्शन है जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन है देन जो इसने मुझे लैंडिंग कॉपी दी है हीरो टेक्स्ट दिया है फॉर यू एंड योर टीम सेफ एंड सिक्योर सिक्योर इनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज तो एवरेज सा है बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा देन फीचर्स टू बेनिफिट्स है हमारे पास जहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में डाला था लोटस नाइट क्रीम के बारे में मैंने कहा था कि मुझे इसके आप फीचर्स टू बेनिफिट्स करके दो एंड मैंने इसके कॉल टू एक्शन भी कहा था सी में इसने मुझे अच्छे दिए हैं गेट बोल्ड लिव ब्लो लिव बोल्ड अनलिश्ड बोल्डनेस सी अच्छा दिया है लेकिन जो फीचर टू बेनिफिट्स है वो डिसेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा ये ठीक है कुछ कुछ अच्छे हैं कुछ ओकेशन तो ये थे कुछ इसके मेन यूज़ केसेस अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी यूज़ केसेस मिल जाएंगे जैसे बर्थडे कार्ड कवर लेटर लव लेटर ये सारी चीज़ें भी हैं कुछ और टूल्स भी आपके बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट चाहिए आपको स्टार्टअप के आइडियाज चाहिए वायरल आइडियाज चाहिए एंड बिजनेस टूल्स और भी हैं यहाँ पर जैसे स्टार्टअप टूल्स में जब हम लोग जाएंगे तो यू कैन फाइंड ब्रांड मिशन ब्रांड वॉइस वैल्यू प्रपोजिशन तो और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं और जो बाकी के इम्पॉर्टेंट है दैट्स ऑन माई ब्लॉग अब टेम्पलेट्स की बात करूँ तो टेम्पलेट्स आपको बेसिकली यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं कि आपको और क्या इंफॉर्मेशन देनी है टू गेट द करेक्ट आउटपुट बेसिकली ये टूल्स ही हैं लेकिन टूल्स में यहाँ पर आपको और इफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी फॉर एग्जाम्पल आपको ई लिखना है तो ई मेल के यहाँ पर पहले से टेम्पलेट बनी हुई है कि अगर मुझे लिखना है किसी को अपने इवेंट का प्रमोशन नहीं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट एंड देन ये आ जाएगा एंड देन यहाँ पर ये मुझे इस तरह की टेम्पलेट देगा कि इवेंट टॉपिक लिखूँ मैं वाई यू शुड अटेंड दिस इवेंट वो इन्फॉर्मेशन डालू एंड इवेंट डिटेल्स डालू ये है टेम्पलेट डेट सेट टूल्स में है बस आपको टूल्स में बता देगा कि टूल्स को यूज़ कैसे करना है अच्छे तरीके से क्या इनपुट प्रोवाइड करना है दैट द वर्क ऑफ टेम्पलेट अब प्राइजिंग यहाँ पर दो प्लान्स है फ्री एंड प्रो फ्री में आपको टू थाउजेंड वर्ड्स पर मंथ मिल जाएंगे प्रो में अनलिमिटेड है दैट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट फॉर डॉलर फोर्टी नाइन में इसका डिस्काउंट कूपन कोड अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा एंड वो कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा मेरे लिंक के साथ में तो जो भी बेस्ट डिस्काउंट होगा वो आपको मेरे लिंक के ऊपर मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको फ्री प्लान में ब्लॉग विजार्ट टूल भी मिल जाता है तो आप लोग लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट भी लिख सकते हो इनके फ्री प्लान पे फ्री प्लान पे ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है प्रो वाले तो इफ़ यू वांट तो यू कैन यूज़ द फ्री प्लान फर्स्ट टू तो चेक इट इफ़ इट्स गुड फॉर यू और नॉट अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज के बारे में बात करूँ तो ब्लॉग राइटिंग के काफ़ी अच्छा है लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट लिए अच्छा है नाइन्टी प्लस टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाती है टेक्स्ट एडिटर भी है एंड यूज़र इंटरफेस भी इसका अच्छा है कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है हिस्ट्री मतलब जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी क्वेरी रन करी जैसे मैंने ये वाली क्वेरी रन करी मैंने कहा क्रिएट कॉन्टेंट तो ये ऑटोमेटिकली मेरे हिस्ट्री में जाके सेव नहीं होगा बाकी सारे कुछ टूल्स रहते हैं जो हिस्ट्री में सेव कर लेते हैं कि मैंने पहले क्या जनरेट किया है मुझे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना पड़ेगा तब ये जाके मेरे प्रोजेक्ट में सेव होगा और फिर मैं इसको देख सकता हूँ ये मुझे इसका एक सबसे बड़ा कॉन लगा है अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कभी कभार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिली है कुछ कुछ यूज़ केसेस में स्पेशली जो शॉर्ट फॉर्म के जो यूज़ केसेस है उसमें मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे नहीं देखने को मिली है कभी कभार कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं कभी कुछ लोडिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी पूरा लोड नहीं होता है तो छोटे मोटे यहाँ पे ग्लिचेस हैं सो आई थिंक कॉपी डॉट ए आई इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट या फिर ब्लॉग राइटिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है आर्ट के लिए सेल्स कॉपी के लिए राइटिंग टूल्स के लिए इसके पास अच्छे ऑप्शन है आउटपुट भी डिसेंट था सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है ई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है सो एज ऑफ नाव आई विल रिकमेंड कॉपी डॉट ए आई इफ यू वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट शॉर्ट फॉर्म के लिए मे बी यू कैन गो विद राइट सॉनिक या फिर स्केल नट दोनों अच्छे हैं सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच फॉर वचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द थम्स अप बटन एंड यू कैन यूज माई लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो थैंक यू सो मच आई आएल सी यू एज इन द नेक्स्ट वन गुड बाय